मुशायरा को हम सुनने जा रहे हैं। किसी का शेर याद आता है कि अभी फुर्सत में है हम भी, तवज्जो इस तरफ कर लो। अभी फुर्सत में है हम भी, तवज्जो इस तरफ कर लो। तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब मयस्सर हम नहीं होंगे, तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब मयस्सर हम नहीं होंगे। जावेद सिद्दीकी साहब को सुनना, सदर मुशायरा को सुनना, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, हमारे लिए ज़रूरी बात है, हमारी लिए अच्छी बात है। मैं गुजारिश करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, एक बार ज़ोरदार तालियों से माहौल बनाएं जनाब जावेद सिद्दीकी। दोस्तों, इस वक्त मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने ज़िंदगी में इतने सारे काम किए, दो चार शेर भी कह लेता कम से कम मुझे भी उतनी तालियां मिलती, दाद मिलती जितनी इन लोगों को मिल रही है। और जावेद साहब, हम लोगों को तालियां मिली या इन लोगों को आप मिल रहे हैं? जो बेकस साहब के साथ दोस्तों, इस जमाने में जबकि हर चीज जो है वो किसी न किसी कारपोरेट हाउस से आ रही है, ज़िंदगी की हर ज़रूरत जो है वो कंप्यूटर पूरी कर रहा है, तो ऐसे ज़माने में कोई चीज़ अगर असेंबली लाइन की ना हो तो बड़ा ताज्जुब होता है। और मैं समझता हूँ कि अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है जो असेंबली लाइन पर बन के नहीं आती है, और वो है शायरी। वाह वाह, बेशक। हालांकि दिल डरता होता है कि खुदा ना खास्ता किसी दिन ऐसा ना हो कि यहाँ शायरों की जगह कुर्सियों के ऊपर लैपटॉप्स रखे हों और मुशायरा शुरू हो रहा हो क्योंकि कंप्यूटर को शायरी करते देर नहीं लगती भाई, वो सब कुछ कर सकता है तो शायरी क्यों नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ जयवंती का और माया बहन का शुक्रिया सिर्फ इसलिए अदा कर रहा हूँ कि कम से कम इस ज़माने में जब हर चीज़ नकली मिलती है, फल नकली मिलते हैं, हर चीज़ में मिलावट मिलती है, उसमें एक असली चीज़, एक बग़ैर मिलावट की चीज़ मिली, चार अच्छे शेर सुनने को मिले, कम से कम चार दिन अच्छे से गुजर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। चलिए तो फिर सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।